याद रखेगा हिंदुस्तान। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे देश के लिए 5 जवानों ने कुर्बानी दी है, तो उनमें से एक जवान हमारे पिपनी खाल के अनुज नेगी, जो 26 साल के थे और हाल ही में नवंबर में उनकी शादी भी थी। और अनुज रिकनी खाल डाबरी गांव के निवासी थे। कठुआ में हुए आतंकी हमले में हमारे छोटे भाई अनुज शहीद हो गए और हमें भी बहुत दुख हुआ इस बात का। और दोस्तों, सोमवार की रात इस अनहोनी की खबर मिलते ही उनके घर में पूरा मातम पसर गया है। और जैसे ही उनके घर में ये खबर मिली कि अनुज हमारे छोटे भाई शहीद हो गए और उनकी माँ बेहोश हो गई और पत्नी भी बेसुध हो गई, बीवी से वादा किया था कि वो एनिवर्सरी मनाने के लिए घर में आएंगे। तो देखिए दोस्तों, तब तक भगवान को कुछ और ही मंजूर था कि एनिवर्सरी कि घर तो आए लेकिन तिरंगे में लिपट कर। और देश की हिफाजत करते समय अनुज नेगी समेत 5 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें से 2 जवान हमारे पौड़ी गढ़वाल रिकनी खाल के थे। सैन्य के साथ उनका सम्मान किया गया है और तब अनुज नेगी को आखिरी विदाई दी गई और अनुज नेगी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक घाट मंदाल नदी में किया गया है। पूरा गांव वहां पे सैन्य सम्मान के साथ अनुज नेगी को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा और अनुज की शहादत पर पूरे क्षेत्रवासियों की आंखें भर आई। पूरा गांव, पूरा इलाका जितना भी वहां पे था, सब वहां पे अंतिम दर्शन के लिए आए और गांव वाले भी वहां पे पहुंच गए थे। याद रखेगा हिंदुस्तान, वीर सैनिक का यह बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। Oh,
छोड़ दिया।